नमस्कार, जम्मू जोश में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं पूरी टीम के साथ किश्तवाड़ के अंदर जो भी टैलेंट छुपा हुआ है उसको बाहर निकालें। और मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी दिखाया, काफ़ी कुछ टैलेंटेड युवा दिखाए, टैलेंटेड लोग दिखाए, उनसे मिलवाया। और आज हम आपको मिलवाने वाले हैं किश्तवाड़ के एक ऐसे टैलेंट से जो आपने पहले नहीं देखा होगा, लेकिन इस वीडियो में हम उनसे ज़रूर मिलवाएंगे। किश्तवाड़ से कुछ किलोमीटर दूर एक इलाका है, ढटपट नामक इलाका जो मुग़ल मैदान में पड़ता है, वहाँ के रहने वाले हैं अर्जुन जी। काफ़ी ज़्यादा टैलेंट है इनके अंदर, और जब ये गाना गाते हैं तो कहीं ना कहीं हम इनकी आवाज़ में और इनके गानों में खो जाते हैं। कुछ गाने भी इनसे सुनते हैं और साथ ही साथ कुछ बात भी करते हैं। अर्जुन जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। अर्जुन जी, क्या कहेंगे आप, हमने आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं और काफ़ी अच्छा लगता है जब आपके गाने हम सुनते हैं। मैं सच कहूं तो मैं भी आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूं, तो सबसे पहले क्या कहेंगे आप? शीतल जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जम्मू जोश के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आप हम तक पहुँचे, और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका जी। अर्जुन जी, जब हम आपके गाने देखते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो किश्तवाड़ से भी कोई एक टैलेंट जो उभरना चाहिए था वो उभर के आ गया है, और बड़ी खुशी होती है कि किश्तवाड़ में भी ऐसे लोग रहते हैं। जब मैंने आपको वीडियो में देखा, यूट्यूब पे देखा, तो काफ़ी अच्छा लगा, और मेरी चाह थी कि मैं आपसे मिलूँ और आपका इंटरव्यू करूँ। तो शुरुआत एक गाने से करते हैं जो आपका अपना गाना हो, जो आपने अपने लिखा हो या फिर खुद गाया हो। जी जी, बिल्कुल। और इसके साथ में मैं कहना चाहूँगा कि किश्तवाड़ में बहुत सारा टैलेंट भरा हुआ है, तो और वो जल्द ही उभर के आएगा। सो मैं आपको दो लाइनें सुनाता हूँ। ये हमारा पहला गाना है हिंदी जो हमने प्रोफेशनल रिकॉर्ड किया था, तो सो दो लाइनें। आज जी करे तेरी बाहों में, जी भर के जी लूँ मैं। आज दिल करे तेरी पनाहों में, जी भर के सो लूँ मैं। वाह, क्या बात है। उम्मीद करता हूँ कि मेरे दर्शकों ने इस गाने को काफ़ी सारा एंजॉय किया होगा। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि मैं भी इनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप इनका चैनल ज़रूर खोलेंगे। यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा छाए हुए हैं, और आई थिंक अर्जुन जी आपके काफ़ी व्यूज़ भी चल रहे हैं यूट्यूब पे। हाँ, पर अभी तो शुरुआत है, आगे आगे और हम स्ट्रगल करेंगे और काम को अच्छा करने की कोशिश करेंगे जी। अर्जुन जी, किश्तवाड़ में काफ़ी सारा टैलेंट है, बहुत सारे युवा हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं है यहाँ पे जो जहाँ से बच्चे अपना टैलेंट दिखा सके। तो क्या कहेंगे यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए या फिर यहाँ के बच्चों के लिए जिनके पास टैलेंट है बहुत सारा छुपा हुआ है? हाँ, एक तरफ से हम कहें कि प्लेटफॉर्म नहीं है, और एक तरफ से कहें कि प्लेटफॉर्म्स हैं भी, क्योंकि डिजिटल मीडिया ने आज मतलब हमें एक इतनी बड़ी चीज़ दी है कि हम यूट्यूब से और काफ़ी सारे ऐसे चीज़ें हैं जिससे अपना टैलेंट बाहर दिखा सकते हैं, किसी तक पहुंचा सकते हैं। सो बी पॉजिटिव एंड स्ट्रगल करते रहो, तो एक दिन आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी जी। अर्जुन जी, काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं पहले जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं, तो आपके सामने भी काफ़ी सारी दिक्कतें आई होंगी, किस तरह से आपने फेस की, और जो आज के युवा हैं जो आगे करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? देखो, बहुत सारी दिक्कतें आई, और ये नहीं कि मुझ में आई, मुझे आई, मेरे सामने आई, हर स्ट्रगलर के सामने मुसीबतें आती हैं, लेकिन जिसने करना होता है वो एक्सक्यूजेज नहीं देता, तो करते रहो, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। अर्जुन जी, हम आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे, अभी आपने कितने गाने गाए हैं और आने वाले प्रोजेक्ट्स क्या रहेंगे आपके? अभी मेरे हिंदी पंजाबी मिक्स आए हुए हैं गाने, तो इस साल हिंदी पंजाबी दोनों मिक्स मेरे दो तीन गाने और आ रहे हैं। सो नेक्स्ट ईयर उनसे और अच्छी कंपनियों से हमारा हो रही है बात, और नेक्स्ट ईयर और हम बड़े प्रोजेक्ट्स लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दर्शकों, हमने इनसे बातचीत की, लेकिन बीच में मैं आपको फिर से इनकी सुरीली, इनकी मीठी आवाज़ में गाना सुनाऊंगा। अर्जुन जी, हम आपके मुंह से गाना सुनना चाहेंगे जो आपके दिल के करीब हो, या फिर किसी ऐसे सिंगर का गाना जो आपके दिल के करीब हो या जिसको आप ज़्यादा फॉलो करते होंगे, उनका कोई गाना।
जी, मैं अरिजीत सिंह को काफ़ी फॉलो करता हूँ, तो उनका एक बड़ा हिट सॉन्ग है, तो वो मैं दो लाइनें गुनगुनाऊंगा। जी ज़रूर। तेरा मेरा रिश्ता है कैसा, एक पल दूर गवारा नहीं, तेरे लिए हर रोज है जीते, तुझको दिया मेरा वक्त सभी, कोई लम्हा मेरा ना हो तेरे बिना, हर सांस पे नाम तेरा, तुम ही हो अब, तुम ही हो जिंदगी अब, तुम ही हो चैन भी मेरा, दर्द भी मेरी आशिकी अब तुम ही हो। बहुत खूब अर्जुन जी, बहुत खूब। ये गाना इतना सुंदर है, इतना मीठा, इतना सुरीला है, अरिजीत सिंह उन्होंने गाया है, लेकिन इसी गाने को अर्जुन जी ने अपनी सुरीली आवाज़ में गाया और हमने भी काफ़ी आनंद लिया। और पूरी उम्मीद करता हूँ मेरे जो भी दर्शक इस वीडियो को देखेंगे वो ज़रूर इनके गाने से एंजॉय करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा, आप इनको फॉलो कर सकते हैं, आप यूट्यूब पे जाकर यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं और साथ ही साथ इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। सर अर्जुन जी, थोड़ा सा आप दर्शकों को माध्यम बताएं किस तरह से वो आपको फॉलो करें। मेरे और अपडेट्स देखने के लिए मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं arjunsharma.official, और यूट्यूब पे भी मेरे वीडियोस आया करेंगे। नेक्स्ट इस साल भी हमारे दो तीन प्रोजेक्ट्स और हैं, और अगले साल भी मैंने जैसे पहले कहा कि और उससे हम बड़ी कंपनीज़, अभी मैं नाम नहीं लेना चाहता, पर और आपको बहुत अच्छा सुनने को मिलेगा। अर्जुन जी, आज माहौल है यात्रों का और मजेल यात्रा शुरू हो चुकी है, तो एक भजन आपसे ज़रूर सुनना चाहूँगा, क्योंकि जब मैं आपके गाने सुनता हूँ तो खो जाता हूँ। और मैं ये मेरी रिक्वेस्ट भी और मेरे जो दर्शक देख रहे हैं उनकी भी रिक्वेस्ट है कि आप एक मचेल का भजन दो लाइनों में ज़रूर गाएं। जी, आज मचेल का यात्रा चल ही रही है, तो इससे और खुशी की बात क्या होगी। और साथ ही मैं बाहर की यात्रियों से ये निवेदन करता हूँ कि यहाँ आए, मचेल यात्रा में दर्शन करें, बहुत खूबसूरत जगह है जो कि और कहीं वर्ल्ड में नहीं है ऐसी जैसा यहाँ हमारे किश्तवाड़ में है। सबसे पहले एक जयकारा। जयकारा शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। मचेलावा ते आवा हर साल नीमाए, ओ बेटा गावा ते गावा श्रद्धा नाल नीमाए। जय, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अर्जुन जी, आखिर पे यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ के किश्तवाड़ के लोगों के लिए क्या संदेश रहेगा आपका? बस यही, खुश रहिए, दूसरों को खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, कीप सपोर्टिंग एंड बी हैप्पी। अर्जुन जी, जाते जाते अंत में हम आपसे एक और गाना सुनना चाहेंगे, एक जिससे दर्शक भी थोड़ा एंटरटेन हो, कुछ लाइन। जी बिल्कुल। अंत में एक थोड़ा मैं सूफी करना चाहूँगा। ग प ध स ध रे ध ध ध द प ध नि ध प म ग ग ग स रे ग रे ग म ग म प ध नि ध स तेरा तुझको सौंप दे क्या लागत है मो मेरा मुझ में कुछ ना ही जो होवत सो तोर। जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए, और काफ़ी अच्छा लगता है किश्तवाड़ में इतना टैलेंट भरा हुआ है और कुछ लोग बाहर आ रहे हैं, निकल रहे हैं। और ये हमने अर्जुन शर्मा जी से बात की जो किश्तवाड़ के रहने वाले हैं, लेकिन काफ़ी सुंदर गाते हैं और काफ़ी सुरीली आवाज़ है इनकी, बड़ी ही मीठी आवाज़ में गाने गाते हैं, और इन्होंने कुछ गाने भी गाए आपके सामने रखे। उम्मीद करता हूँ कि आपने पूरा एंजॉय किया होगा इनके गानों पर। अगर आपके अंदर भी टैलेंट है, आपके अंदर भी प्रतिभा है, तो आप जम्मू जोश की टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप अप्रोच कर सकते हैं। उसके लिए आपको हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर हैं, आप एक बार फ़ोन घुमाइए और हमें अप्रोच कीजिए, हम आपके पास ज़रूर आएंगे और अपने आपके टैलेंट को सभी लोगों के सामने लाएंगे।
अंत में मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप अर्जुन जी को फॉलो करना ना भूलिए और साथ ही साथ जम्मू जोश पेज पे जाइए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और साथ ही साथ अधिक खबरों के लिए आप हमारे यूट्यूब पे जा सकते हैं। यूट्यूब पे जाने के लिए जम्मू जोश सर्च कीजिए, लाल बटन दबाइए यानी सब्सक्राइब का बटन दबाइए और साथ ही साथ वहाँ पर बेल आइकन का बटन ज़रूर आएगा, उसको दबाना ना भूलें, क्योंकि उसको दबाएँगे तो हमारी खबर सबसे पहले पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।